वेलकम एवरीवन। तो गाइस आज हम देखेंगे अप एंड अवे। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बकरी चरा रहा होता है। इसका नाम बंटी था। वो एक छोटे से गांव में रहा करता था। इसका ख्वाब था कि गांव से निकलकर बाहर की दुनिया को देखे, लेकिन उसके फादर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो बाहर जाए। वो बंटी को समझाता है बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है, गांव में रहकर मेरे साथ दर्जी का काम सीखो। पर बंटी भी बहुत ज्यादा जिद्दी था, कहता है कि चाहे जो भी हो जाए पर बाहर की दुनिया देखने जरूर जाऊंगा। तभी उनका एक ओल्ड मैन पड़ोसी को देखते हैं जिसका नाम होता है कहिल, जो बंटी का मदद करना चाहता था। इसीलिए उसे एक दिन अपने घर बुलाता है और उसे अपना मैजिकल कारपेट दिखाता है जो उड़ता भी था। कहिल उसे कहता है, तुम अगर चाहो तो इस पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से दूर एक स्वर नाम के शहर में मेरी हीरा नाम की पोती कहीं पे फंसी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढ लाओ। बंटी मान जाता है क्योंकि उसे तो बाहर की दुनिया देखनी थी, लेकिन वो कहिल से कहता है कि मुझे तो उस शहर की रास्ता भी पता नहीं है। तो कहिल कहता है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ये कारपेट सीधा वहीं लेकर जाएगी। इसके बाद बंटी उस कारपेट को लेकर अपने घर आता है और अपने माँ बाबा से कहता है कि मैं और मेरी बकरी इस कारपेट पे बैठकर दुनिया घूमने जा रहे हैं। लेकिन उसके फादर को ये मजाक लगता है। उन्हें लगता है कि ये मामूली सी कारपेट उन्हें कैसे घुमा सकता है। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरे सामने उड़ गया तो तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, अगर ये नहीं उड़ा तो तुम यहाँ रहकर मेरे साथ दर्जी का काम सीखोगे। जिस पर बंटी मान जाता है। वो उस कारपेट पे बैठकर उसे उड़ने को कहता है कि बात नहीं सुनता। तो बंटी कारपेट से गुस्सा होकर उसी पे चिल्लाने लगता है। उसकी बकरी कहती है कि तुम्हें इस कारपेट को प्यार से समझाना होगा, जिसके बाद बंटी कारपेट को सॉरी करके प्यार से उड़ने को कहता है और वाकई में ये कारपेट तो उड़ ही जाता है। अब बंटी के फादर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसे बाहर जाने के लिए इजाजत दे देते हैं। इसके बाद बंटी अपने बकरी के साथ उसी कारपेट पे बैठकर स्वर्णपट की ओर निकल जाता है। वो रास्ते में खूब सारी मस्ती भी करते हैं और कुछ टाइम बाद स्वर्णपट पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ के आदमी काफी अजीब टाइप के हैं, थोड़े गुस्से वाले। वहीं एक आदमी बंटी से कारपेट छीनने लगता है। तभी वहाँ सुनहरी नाम की लड़की आकर बंटी को वहाँ से ले जाती है। उसे अपने साथ अपने घर ले आती है जहाँ वो कुछ अनाथ बच्चों के साथ रहा करती थी। वहीं गुल्लू नाम का एक बुरा आदमी भी रहा करता था जो उन बच्चों को खाना चुराने के लिए फोर्स करता था। फिर बंटी गुल्लू को अपनी बकरी के दूध पीने को देता है। बंटी वहाँ से जाने लगता है। वो अपने कारपेट से कहता है कि सोने के लिए किसी अच्छे जगह पे ले चलो। इधर गुल्लू भी उन्हें उड़ते हुए देख लेता है। वहीं कारपेट उन दोनों को किसी के छत पे ले आता है जहाँ वो आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो उसकी कारपेट गायब थी। बंटी को लगता है कि सुनहरे ही ने उसे चुराया होगा, इसीलिए वो सुनहरे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर गुल्लू को देखते हैं जो इसी ने कारपेट को चुराया था, उसे लेकर सीधा महल में चला जाता है महाराज विकराल को देने। विकराल एक बहुत बुरा राजा था जो लोगों से उनकी चीजों को छीनना जानता था। उसकी ख्वाहिश थी कि कोई भी उसे उड़ता हुआ कारपेट ला कर देगा तो वो उसे सेनापति घोषित कर देगा, लेकिन इस वक्त विकराल खाने में बिजी था, इसीलिए वो गुल्लू को कहता है कि बाद में आना। वहीं बंटी सुनहरी से मिलता है, उससे अपने कारपेट के बारे में पूछता है, लेकिन सुनहरी कहती है कि मैंने तुम्हारा कारपेट को नहीं चुराया, ये पक्का उसी गुल्लू का काम होगा। जिसके बाद बंटी गुल्लू से कारपेट छुड़ाने के लिए सुनहरी से हेल्प मांगता है। सुनहरी कहती है ठीक है, वो एक औरत के बारे में बताती है जो हमारी मदद कर सकती है। फिर ये दोनों उस लेडी फिरोजा के पास जाते हैं। मैं हर रोज उस महल में विकराल को फ्रूट देने जाती हूँ, तो इस बार मैं तुम दोनों को टोकरी में छुपाकर महल में ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी बकरी को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। जिसके बाद फिरोजा उन दोनों को टोकरी में डालकर किसी तरह महल में ले जाती है जहाँ उन दोनों कारपेट को ढूंढने लगते हैं। वहीं गुल्लू दोबारा विकराल के पास आता है और इस बार विकराल उड़ने के लिए रेडी था। अपने सेना को उसे कारपेट में बैठाने को कहता है क्योंकि उसका वेट इतना ज्यादा था कि वो खुद से उड़ भी नहीं पाता था। फिर वो उस कारपेट को उड़ने को कहता है, लेकिन कारपेट उसे उल्टा पलट देता है। जिसके बाद गुल्लू विकराल को कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस कारपेट का अकल ठिकाने करके लाता हूँ। इसके बाद वो कारपेट को एक खाली रूम में ले जाता है और उसे चैन से बांधकर उसे परेशान करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे सुनहरी और बंटी भी आ जाते हैं और चुपके से कारपेट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुल्लू उनको देख लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। सुनहरी तो किसी तरह से छिप जाती है पर बंटी पकड़ा जाता है। विकराल अपने सेना को कहता है कि इसे मगरमच्छ के ऊपर फेंक दो, लेकिन गुल्लू कहता है नहीं महाराज, अगर ये मर गया तो हम इस कारपेट को कभी उड़ा नहीं पाएंगे क्योंकि सिर्फ बंटी ही इसे उड़ाना जानता है। तो विकराल कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी इसे अभी कैद कर दो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है।
जिसके बाद बंटी को एक अंधेरे रूम में कैद कर दिया जाता है। वहीं गुल्लू किसी भी हाल में सेनापति बनना चाहता था, इसीलिए वो छुपकर बंटी से मिलने का डिसाइड करता है ताकि वो कारपेट को उड़ाना सीख सके। वहीं काल कोठरी में एक ही सेना था जिसको बंटी किसी तरह से बेवकूफ बनाकर भाग जाता है। तभी सामने से गुल्लू कुछ सेना को लेकर आ रहा होता है, लेकिन बंटी उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और कारपेट को हासिल कर लेता है। वहां से निकलते वक्त सुनहरे से मिलता है, लेकिन गुल्लू और महल के सभी सेना उनके पीछे पड़ जाते हैं। कारपेट उस महल से निकलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग सभी दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे वो दोनों फंस जाते हैं। विकराल बंटी से कहता है कि अगर तुमने कारपेट उड़ाना नहीं सिखाया तो सुनहरे को मगरमच्छ के पास फेंक देंगे। तो बंटी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उड़ाना सिखाऊंगा। जिसके बाद गुल्लू और विकराल कारपेट के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन बंटी अपना दिमाग लगाता है। अब जैसे कि वो कारपेट बंटी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया था, बंटी कहता है कि इन दोनों को खूब मजा चखाओ, जिससे कारपेट उन दोनों को हवा में काफी परेशान करने लगता है और उनको मगरमच्छ के ऊपर ही फेंक देता है। वो दोनों पानी से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ उनके पीछे भागते हैं उन्हें खाने के लिए, जिससे वो दोनों महल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर बंटी सारे सेना को समझाता है कि अब तुम्हें किसी का डर नहीं है, तुम यहाँ पे अपनी मर्जी चला सकते हो क्योंकि तुम्हारे महाराज यहाँ से जा चुका है। तो सारे सेना उसकी बात मान जाते हैं, उसे और सुनहरी को जाने देते हैं। फिर ये दोनों वापिस से सबके पास आ जाते हैं। तो यहाँ सुनहरी बताती है कि मैं ही कहिल की पोती हूँ, वो मुझे बचपन से हीरा बुलाया करते थे, लेकिन बहुत पहले विकराल ने कहिल को कुछ गलती की वजह से उसे मगरमच्छों के ऊपर फेंकने जा रहा था, पर कहिल अपने मैजिकल कारपेट से महल से बचकर निकल गया था। अब सुनहरी सबको अलविदा कहकर बंटी के साथ चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुंचते हैं तो कहिल अपने पोती से मिलकर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर रात को एक साथ डिनर करते हैं। और इसी तरह ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसी मैजिकल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।